मुझे कोई शौक नहीं है कि इस एज में क्रिकेट खेलने का और प्रैक्टिस करने का क्योंकि मेरे पास कोई नथिंग टू तो लुक फॉरवर्ड टू लेकिन वो थ्री पॉइंट साढ़े तीन करोड़ रुपए जो मैं हर साल अपनी जेब से खर्च करता हूँ मेरे घर में पैसे का पेड़ नहीं लगा इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू क्लियर दिस लॉट ऑफ पीपल टेल मी दैट आई कॉमनटेट आई एम अ पार्ट टाइम एम पी आई डोंट फोकस एक कम्युनिटी किचन का खर्चा है पाँच लाख रुपये महीना क्योंकि आप एक हजार लोगों को रोज एक रुपये में खाना खिलाते हो पाँच किचन का खर्चा हो गया पच्चीस लाख रुपये पाँच क्वेश्चन को मैनेज करने का ट्रांसपोर्टेशन सब कुछ का पाँच लाख रुपये और तीस लाख रुपये महीने का खर्चा हो गया तीस लाख रुपये इन टू ट्वेल्व थ्री पॉइंट सिक्स करोज एंड्रॉम एमपी नॉट दिस इज माई पर्सनल मनी मैं कॉमेंट्री या जो भी काम मैं करता हूँ चाहे खेलता हूँ मेरे को कोई शौक नहीं है बारह घंटे कॉमेंट्री करने का मैं आज छोड़ सकता हूँ अभी छोड़ सकता हूँ मुझे कोई शौक नहीं है कि इस एज में क्रिकेट खेलने का और प्रैक्टिस करने का क्योंकि मेरे पास कोई नथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू लेकिन वो थ्री पॉइंट साढ़े तीन करोड़ रुपये जो मैं हर साल अपनी जेब से खर्च करता हूँ मेरे घर में पैसे का पेड़ नहीं लगा मेरे को मेहनत से ही दो ही तरीक़े हैं या तो अपनी मेहनत से वो पैसा लगाओ या फिर एम पी से कहीं ना कहीं कमीशन ले कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करके वो पैसा कमा के लोगों के बीच में लगाओ वो चीज़ मैं करने नहीं आया इसलिए जो लोग ये सवाल उठाते हैं उनको पहले ये देखना चाहिए कि क्या मैं वो जो पाँच हज़ार लोगों को हम एक रुपए में खाना खिलाते हैं क्या वो मुझे ज्यादा सैट्सफैक्शन देता है या आपके ये बोलने से कि मैं पार्ट टाइम एमपी पी हूँ और मुझे जितना मर्जी पार्ट टाइम एमपी पी बोली नो no प्रॉब्लम लेकिन जब मैं उन पाँच हज़ार लोगों के पेट में खाना जाता हुआ देखता हूँ दैट गिव्स मी अ लॉट ऑफ सैटिसफैक्शन वो आज मैं अगर पाँच कम्यूनिटी किचन बंद कर दूँ तो वो साढ़े तीन करोड़ रुपये मैं अपनी ब्रांडिंग सोशल मीडिया बाकी प्यार एजेंसीज पर भी लगा सकता हूँ लेकिन इस तरीके से मैं ज़िंदगी नहीं जीना चाहता हूँ मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ जो लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट हमने दिया वो मेरा विजन था मतलब मुझे नहीं लगता कि ऐसा कभी भी दिल्ली में कभी हुआ होगा और हम करना चाहते थे दस ऐसे दस कम्युनिटी किचन और दस लाइब्रेरीज़ जहाँ पर हमने वर्ल्ड क्लास लाइब्रेरी बनाई थी एयर कंडीशन विथ प्रोजेक्टर्स वाईफाई कंप्यूटर्स ट्वेंटी थाउजेंड बुक्स की लाइब्रेरी कैपेसिटी थी विथ कैफेटेरिया कि जहाँ पर लोग आके सुबह वहाँ पर बैठ के टी कॉफ़ी सैंडविचेस जो भी खाना और वो सेल्फ सस्टेन करा था। करने के लिए हमने देखा था मेरे खुद के ऑपोजिशन ने कुछ नहीं किया खुद के लोगों ने हमारे यहाँ पर एम एच में लेटर लिखा कि एक एम पी कूड़े घर को अपने नाम कराने की कोशिश करा आज अस्सी लाख रुपये लगे थे मेरे वो अपनी जेब से आज हमारे को वो हैंड ओवर करनी पड़ी है एम सी डी को और आज आप जाके देख सकते हैं वो अस्सी करोड़ अस्सी लाख रुपये किस तरीके से बर्बाद हो रहे हैं एम सी डी तो वो चलाएगी नहीं क्योंकि वो बीजेपी के एम पी ने बनाई थी और वर्ल्ड क्लास लाइब्रेरी बनाई थी अगर मैं आपको वर्ल्ड क्लास लाइब्रेरी कह रहा हूँ तो आप

कंप्यूटर्स के सामने yeah. पढ़ रहे हैं प्रोजेक्टर्स के सामने कुछ अच्छा करें इट वुड हैव गिवन मी अ लॉट ऑफ सेटिसफेक्शन व्हाई आई गेट फ्रस्ट्रेटेड इज व्हेन आई सी दैट इंटायर थिंग गेटिंग कोलैप्स्ड क्योंकि ये कोई आसानी से पैसा कमाया हुआ पैसा नहीं लगाया मैंने ग्यारह ग्यारह घंटे काम करे कॉमेंट्री कॉमेंट्री बॉक्स में hmm. उसके बावजूद जब आप एक ऐसी चीज़ क्रिएट करते हैं उसके बाद उसको खराब होते हुए देखते हैं वुड इट नॉट फ्रस्ट्रेट यू अगर आप ऐसा कुछ क्रिएट करेंगे दैट्स वाई दैट इज़ वे द प्रॉब्लम इज